यूपी के महाराजगंज के परसा मलिक थाना क्षेत्र के महदेया गांव में एक पुजारी और एक साध्वी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पीएम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने कहा कि मंदिर में लगी एक मूर्ति का इस्तेमाल कर दोनों के सिर पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक मृतक पुजारी ने एक गांव में ही एक मंदिर बनवाया था, वहीं रहते थे और पुजारी की तरह काम करते थे। वहीं एक नेपाल की साध्वी भी रह रही थी। इन दोनों की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले रोहिन बेराज ने उनकी जमीन निकली थी, जहां मुआवजे के रूप में भी उन्हें 14 लाख रुपए मिले थे। ग्रामीणों ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में ही लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना परसा मलिक क्षेत्र में गांव है महदेया, यहाँ पे एक मंदिर में एक बुजुर्ग रहते थे, लगभग 70 साल एज थी, और एक महिला रहती थी, उनकी भी करीब 60-65 साल एज थी। इन दोनों की रात में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला कुछ पैसे और संपत्ति का लेके लग रहा है, बाकी अभी विवेचना होगी। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा।